Dante. Dante, Dante, Dante. So guys, सुबह हम लोग हो चुके हैं रेडी क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने तक्ष की एडमिशन करवाने। तक्ष 2.5 साल का हो गया है तो उसकी भी अब एडमिशन हमें करवानी है और साथ ही साथ वंशिका का भी स्कूल चेंज करवा रहे हैं तो दोनों बच्चों की एक ही स्कूल में हम एडमिशन करवाने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, हमारे दोनों बच्चे और रिंकू निधि का बेटा तीनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं और भी मेरी एक फ्रेंड की बेटी है वो भी वहीं जाएगी। तो हमारे 3-4 जो बच्चे हैं ना सबकी आज एडमिशन होने वाली है तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस हमारे ये मैंगो लवर्स मैंगो खा रहे हैं, देखो सीजन का फर्स्ट मैंगो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंगो लवर रात को खुशबू नहीं आई थी मैंगो की बेटा, कपड़ों पे नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है तको है? कपड़े गंदे नहीं करने, जल्दी जल्दी खा लो फिर चले, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह रे वाह, देना, ओ माय गॉड। सो गाइस देखो हमारे घर की क्यारी में इतने सारे रूज लगे हैं, ओ माय गॉड कितने सारे हैं ना वैशु। मतलब अभी तो मैं अंदर से दिखा रही हूँ, गाड़ी के बाहर जाके तो उधर की साइड भी होंगे, पूरा नीचे से ऊपर तक भरा पड़ा है। कितना सुंदर है ना, चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, देखो आप, आपको स्कूल अच्छा लगा? हाँ। शिट, ओ माय गॉड, यहाँ पे नहीं चढ़ पाओगे बेटा आप, बेचारा कंफ्यूज हो गया अब कहाँ पे चढ़ूं। मैंने कहा इस पे भी गीला किया, अब कहाँ पे चढ़ूं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर इधर, उधर से आओ उधर से आओ उधर से आओ, वो देखो जहाँ से दीदी आई है, इधर से नहीं तक्कू, जल्दी जल्दी A few moments later. So guys, finally अभी हम आ चुके हैं एडमिशन करवा के घर, चारों बच्चों की एडमिशन हो गई है। Two
hours later. So guys, यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए. तो फटाफट से लंच बनाते हैं. लंच में आज बन रही है वेज बिरयानी और साथ में चाय. तो फटाफट से लंच बनाते हैं. सो गाइज, हमारा टेस्टी सा लंच रेडी है. वेज बिरयानी, प्याज और चटनी एंड साथ में चाय. तो फटाफट से खाते हैं. सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ अपना लंच करने. वंशु को ट्यूशन भेज के ना फिर मैं तक्कू को सुलाने लगी थी. उसको सुला के फिर घर की साफ सफाई करनी थी क्योंकि बच्चों ने फ्रूट्स खाए थे. तक की आदत है जूस चूसता है किसी भी फ्रूट का और फिर फेंक देता है. ऑरेंज वगैरह ऐसे करता है. मैंगो वगैरह खाए थे उसके छिलके पूरे घर में इन्होंने फेंक रखे थे. तो वो पैर जहाँ रखो ना चिप चिप कर रहा था पूरा घर. तो मैं सोचा कि फटाफट से झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ फिर अपना आराम से बैठ के मैं लंच करूंगी. थोड़ा घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा. तो वही फिर साफ सफाई करके अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने. लंच करने के बाद फिर हम होंगे रेडी क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है. कहाँ जाना है वो आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा. तो फटाफट से पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ. Hours later. So guys, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी. तो हम जा रहे हैं दरगाह पर, जहरबली जा रहे हैं. हम आज वीरवार है तो मत्था टेकने जा रहे हैं जहरबली. तो तक्कू रेडी होके जा चुके पापा के साथ नीचे. मैं भी फटाफट जा रही हूँ और वंशु को हम ट्यूशन से पिक करेंगे और वहीं से उसको ले लेंगे. तो फटाफट से चलते हैं. तक्कू ना सो रहा था, उसको उठा के फिर मैंने रेडी किया. तो फटाफट से चलते हैं. सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं. वंशु को ट्यूशन से लेने गए थे लेकिन वो अपने ट्यूशन वाली मैम के साथ, मतलब उसकी ट्यूशन वाली मैम की पूरी फैमिली और निधि की पूरी फैमिली वहाँ पास ही में एक पार्क है वहाँ गए हुए थे. तो वो भी साथ में गई हुई है क्योंकि उसके पापा हमेशा उसको लेने में लेट हो जाते हैं ना. तो सोचा कि साथ ही ले जाते हैं, इनको भी आने में टाइम लगेगा. तो दैट्स व्हाई वो पार्क चली गई. कॉल की थी हमने तो हमने सोचा कि चलो खेल रही है खेलने दो, फिर आते हुए हम उसको पिक कर लेंगे. तो अभी मैं, तक्कू और उसके पापा जा रहे हैं, है ना तक्कू? लेकिन तक्कू सैड है, दीदी नहीं आई. दीदी को नहीं ले जाना था? नहीं ले जाना, नहीं ले जाना. ये दीदी में ना इसकी जान बसती है. गाइस, आज हमने प्लान किया था कि फटाफट थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि जहरबली में ना मेरे को कुछ सामान देखना था. बेसिकली मैंने ना कल मीशो से बास्केट ऑर्डर की थी, थोड़ी सी क्या, 3 बास्केट ऑर्डर की थी 350 की. तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैंने जहरबली में सेम बास्केट ना 20-20 रुपीज में देखी है मिलती. तो मुझे ये था कि वहाँ मैं चेक कर लूंगी, एक अगर मुझे मिल जाती हैं तो फिर मैं वहीं से ले लूंगी. जरूरी है फिर मैं कैंसिल कर दूंगी मीशो पे क्योंकि मुझे पता है कि मीशो पे मेरे को बहुत एक्सपेंसिव मिली है. बट इन्होंने फिर से लेट करवा दिया. फिर से 6:30 बज गए, हमें अंधेरा हो गया, सब बंद हो जाता है. अदरवाइज जहरबली में सामान अगर आपको हो ना बहुत अच्छा अच्छा सस्ता सस्ता मिल जाता है लेकिन हर बार ये लेट करवा देते हैं. मैंने इस बार सोचा था चलो मत्था भी टेक लेंगे और थोड़ा सा सामान जो लेना है वो भी ले लूंगी मैं. बट फिर से अगेन लेट हो गए हम. लेट्स सी मिलता है कुछ के नहीं मिलता है. अभी तो काफी दूर है, 10 मिनट लगेंगे. आप पहले खा लो फिर ही मत्था टेकने जाओगे. इतना सामान ले लिया हमने. पहले खा लो फिर और गिर जाएगी, नहीं तो खा लो फटाफट. नीचे से भी वाइट कर दी है इसलिए गिर रही है. तक्कू डॉगी आ गया आइसक्रीम लेने. ये डॉगी सबसे हेलो कर रही है, सारी आइसक्रीम गिरा रहा है ये. सो गाइज, वापस आते हुए हम गए थे टायर की शॉप पर क्योंकि हमें गाड़ी के चारों जो टायर्स हैं वो चेंज करवाने हैं. तो बस वही हम पूछने के लिए गए थे वहाँ शॉप पर. A few moments later. So guys, यहाँ पर वंशु मुंह बना के बैठी है क्योंकि ये ना रो रही थी, ट्यूशन से आने का नाम नहीं ले रही थी कि मैम को मैं साथ में ही घर लेके जाऊंगी. लेकिन इतनी रात थी, हमने कहा कि मैम को दिन में लेके आना और ये पूरे रास्ते आंसू बहाते बहाते रोते रोते आई है. इतना प्यार वंशु मैम के साथ,
अभी भी साइड बैठी है। बेटा इतनी रात है, फिर मैम जाएंगे कैसे अकेले हैं? दुकान भी नहीं गई चीजियां लेने, टक्कू लेके आया दीदी के लिए चीजियां ना। दीदी रो रही थी क्यों? मैम के लिए, मैम के लिए, दीदी के लिए। अच्छा कैसे रो रही थी? जोर जोर से। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ घर, आते हुए मम्मी के घर चली गई थी क्योंकि पापा की कॉल आई थी कि काली वाली दाल बनी है राजमा डाल के, मतलब माँ राजमा बने हैं पंजाबी में उसको कहते हैं माँ राजमा, तो ब्लैक वाली दाल है राजमा डाल के बनती है, वो मेरी फेवरेट 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 है, मतलब बहुत पसंद है मुझे, तो इसलिए पापा की कॉल आई थी कि डोलू में डाल के रख दी है ले जाके, मतलब ये भी कहते खानी है नहीं खानी, उनको पता है कि इसको बहुत पसंद है, तो उनकी कॉल आई थी कि डाल के रख दी है आके ले जा, तो वही मैं लेने चली गई थी। एंड गाइस मेरे को बास्केट्स भी मिल गई थी जायवली में, टाइम से हम पहुंच गए थे, अंधेरा होता है तो फिर सब बंद होने लग जाता है, तो टाइम से हम चले गए थे टीचू। और गाइस मेरे को बास्केट्स मिल गई है 20 रुपीज ईच मेरे को कॉस्ट की है, जो कि मैंने ऑनलाइन काफी सेम इसी के साथ की काफी एक्सपेंसिव ऑर्डर कर दी थी कि चलो घर बैठे आ जाएगी, अब मैं कहाँ लेने जाऊँ। बट देखो कितनी अच्छी अच्छी है साइज की, ये बास्केट मेरे को 20 रुपए की एक मिली है, और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैंने 8 बास्केट्स ली हैं, 8 मैंने इस साइज की ली है, ये वाली सेम 8 ये वाली ली है। एक मिनट मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो गाइस 8 मैंने ये वाली बास्केट्स ली हैं, एक मैंने ये ढक्कन वाली ली है, काफी अच्छी 20 रुपए में तो बहुत अच्छी मिली मुझे लगता है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो और ये बहुत अच्छी है। और मैंने ये कुछ हेयर पिंस रबड़ बैंड्स और वो लिए हैं हेयर बैंड्स, ये मैंने लिए हैं अपनी भांजी के लिए नायरा के लिए, जो कि मेरी कज़न सिस्टर की बेटी है, उसके लिए मैंने ये 3 कपड़े वाले जो है ना इलास्टिक वाले ये लिए हेयर बैंड, क्योंकि अभी वो छोटी है, 3 उसके लिए लिए, और 3 ही मैंने वंशिका के लिए ये हेयर पिंस लिए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, 3 वंशु के लिए, 3 नायरा के लिए ये हेयर बैंड्स लिए हैं, हेड बैंड्स जो भी कह लो, तो ये भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई, इतनी सुंदर पिंस है ना, रबड़ बैंड है गाइस, ये बहुत ही प्रिटी है, देखो कितनी सुंदर है ना, आप कमेंट करके बताना कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कितने की है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गई, और इनकी क्वालिटी ना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बहुत ही सॉफ्ट है, रबड़ बैंड भी काफ़ी अमेजिंग है। और ये तक्कू को नानी ने दिए हैं बिस्किट्स, क्योंकि हमारा तक्कू है बिस्किट लवर है ना, इसलिए नानी इसको बिस्किट देती हैं, तो ये बस इतना सा सामान लेकर आई हूँ मैं। इतने सारे लॉलीपॉप मेरे को तो नहीं दिए, नहीं खा लो, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इतनी सारी बास्केट्स क्यों ली है, क्योंकि अब बच्चों के गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, तो वंशिका की जो टी शर्ट्स है ना वो ही ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही होंगी उसके पास जो टी शर्ट्स हैं वो, और टॉप अलग लगा लो, शॉर्ट्स अलग लगा लो, जीन्स अलग लगा लो, जो क्लोथिंग सेट्स है वो अलग, तो वंशिका इतने कपड़े हैं ना एक के ऊपर एक करके मैं टी शर्ट्स रख देती तो आधा सीजन निकल जाता है कि इसके कपड़े आधे मिलते ही नहीं है, आधे पहन ही नहीं पाती, रखे रखे छोटे हो जाते हैं, तो बास्केट्स के अंदर ना मैं एक तो गया कि एक के ऊपर एक लेयरिंग करके, वैसे नहीं मैं इस तरह से, समझ हो आप, इस तरह से बास्केट में लगा दूंगी एक एक करके, तो वो ऊपर से ही शो हो जाएंगी कि कौन कौन से टी शर्ट है, कलर वाइज मतलब सब कुछ पता लग जाएगा, और वो यूज कर लेगी इजीली, और निकालने में ये भी नहीं होगा कि सारे कपड़े गिरे एक टी शर्ट के चक्कर में, इसलिए मैं बास्केट्स लेकर आई हूँ। कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। तो गाइज ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।